देवरा मूवी को आज रिलीज हुए 4 दिन हो चुके और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी इस मूवी की कलेक्शन कहां तक जा पाती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाती है। वैसे देखा जाए तो इस मूवी ने ओपनिंग डे पर ही सभी मूवी की रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन वर्किंग डे आने के बाद से भी बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वैसे में देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में कहां तक जा पाती है। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और आप लोगों ने देवरा मूवी को देख लिया है तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ऑडियंस की तरफ से अच्छी खासी रिस्पांस देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इस मूवी की कलेक्शन अभी भी अच्छी निकल के आ रही है वर्किंग डे आने के बाद। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कितने करोड़ की निकल के आती है। और आज आ चुकी है मंडे और मंडे के दिन पर किस तरह से कलेक्शन कर पाती है। मंडे से आ जाती है वर्किंग डे और सभी मूवी के कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिलती है, क्योंकि वर्किंग डे होने की वजह से सभी मूवी के कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिलती है। और देवरा मूवी के कलेक्शन में भी वर्किंग डे आने के बाद ज्यादा बड़ी ड्रॉप देखने को नहीं मिली, एक डिसेंट ड्रॉप देखने को मिल रही है और एक ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है वर्किंग डे के हिसाब से। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आगे आने वाले दिनों में भी अच्छी कलेक्शन कर जाएगी ऐसा लग रहा है, लेकिन देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन इस वर्किंग डे पर किस तरह से निकल के आती है और ये मूवी सेकेंड वीकेंड आने तक बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से कलेक्शन कर पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट की। तो इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले जूनियर NTR, सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ इस मूवी को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था सिनेमाघरों में। आज इस मूवी को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके और इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी की कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और अभी भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर वर्किंग डे आने के बाद आज के दिन पर एक ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है। लेकिन देखा जाए तो इस मूवी ने सभी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप देखने वाली बात होगी जवान और कल की मूवी की रिकॉर्ड तोड़ पाती है या फिर नहीं। वैसे लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आसानी से एक ठीक ठाक कलेक्शन कर जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये मूवी कल की मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या फिर नहीं और 2024 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन पाएगी या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर लग रहा है आसानी से 800-900 करोड़ की तो कलेक्शन कर लेगी, लेकिन देखते हैं वर्किंग डे पर किस तरह से कलेक्शन करती है। और ये मूवी वर्किंग डे पर अगर अच्छी कलेक्शन कर जाती है तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आसानी से एक बड़ी कलेक्शन कर सकती है और बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। देवरा मूवी के सामने कोई भी बड़ी मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है तो इस मूवी को फायदा होगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि इस मूवी को सोलो रिलीज किया गया है। इस मूवी के सामने कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन कर सकती है, लेकिन देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में कहां तक जा पाती है। देवरा मूवी पब्लिक को पसंद आ चुकी है, लेकिन इस मूवी की रिलीज होने से पहले ट्रेलर आई थी जो कि पूरी तरह से निराश कर चुकी थी, क्योंकि उतनी खास नहीं लगी थी ट्रेलर। देखा जाए तो ट्रेलर के मामले में उतनी खास किसी को पसंद नहीं आई थी, लग रहा था कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर उतनी खास कलेक्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन देवरा मूवी ने जो कलेक्शन करके दिखाया जो कि पूरी तरह से सभी को चौंका दिया कलेक्शन के मामले में और बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है। अब देखने वाली बात होगी इस मूवी की कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर आगे आने वाले दिनों में किस तरह से निकल के आती है और ये मूवी 2024 की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन पाती है या फिर नहीं। देखा जाए तो जूनियर NTR की सोलो मूवी है तो सोलो मूवी के हिसाब से एक हाईएस्ट कलेक्शन कर चुकी है जूनियर NTR की मूवी। अगर RRR को छोड़ दिया जाए तो जूनियर NTR की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी में से बन चुकी है देवरा मूवी। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन लाइफ टाइम कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाती है और देवरा मूवी जूनियर NTR की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाएगी या फिर नहीं, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, बात कर लेते हैं इस मूवी की 2 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन भी निकल कर आ चुकी है। इससे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की लैंग्वेज वाइज कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। और देवरा मूवी ने तेलुगु वर्जन से इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 100 करोड़ 80 लाख और इस मूवी ने हिंदी वर्जन से इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 16 करोड़ 90 लाख और इस मूवी ने कन्नड़ा वर्जन से कलेक्शन कर लिया 70 लाख और इस मूवी ने तमिल वर्जन से कलेक्शन कर लिया है 2 करोड़ 5 लाख और इस मूवी ने मलयालम वर्जन से कलेक्शन कर लिया 65 लाख और इस मूवी ने 2 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 120 करोड़ 70 लाख और इस मूवी ने 2 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया 143 करोड़ और इस मूवी ने 2 दिनों में
ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया है 55 करोड़ और इस मूवी ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है 198 करोड़। जहां तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने तीसरे दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 40 करोड़ 30 लाख और इस मूवी ने 3 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 161 करोड़। और इस मूवी के चौथे दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 15 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है और ये मूवी आगे आने वाले दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर सकती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाती है देखा जाए तो वर्किंग डे आने के बाद से इस मूवी के कलेक्शन में एक ड्रॉप तो देखने को मिल रही है, लेकिन अगर इसी तरह से होल्ड बना के रखती है तो बॉक्स ऑफिस पर फिर भी आसानी से अच्छी कलेक्शन कर जाएगी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन सकती है। और आप लोगों को क्या लगता है जूनियर एनटीआर की देवरा मूवी सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन पाएगी या फिर नहीं और 2024 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन पाएगी या फिर नहीं, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जहां देवरा मूवी का बजट केवल 300 करोड़ के आसपास है और इस मूवी ने 2 दिनों में 200 करोड़ की कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन तीसरे दिन की ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है, लेकिन इस मूवी ने 3 ही दिनों में अपने बजट से ज्यादा की कलेक्शन कर चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से ज्यादा की कलेक्शन कर चुकी है 3 दिनों में और ये मूवी 2024 की एक हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन चुकी है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाती है और आप लोगों ने देवरा मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।